हेलो गाइस, गुड इवनिंग। हेलो गाइस, हेलो गाइस, गुड मम्मी भी हेलो इवनिंग। बोल रही है। तो गाइस, हरियाणा जाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। मम्मी देखो पीछे पूरी पैकिंग लेके बैठी हुई है, पता नहीं क्या क्या पूरा भर लिया है सामान। अभी भरा नहीं है, भरने जा रही है। अभी सारा निकाला है बड़ी मुश्किलों से। और ये दिखा रही है स्पेशल क्या क्या निकाला है। हर बार जाते भी ऐसे ही है और आते भी ऐसे ही है, भर भर के लाते हैं, भर भर के लेके जाते हैं। दूर बैठे हैं, क्या करें गाइस। गाइज सारे गाइज गाइज करने लग गए। तो बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। मैं बोलना अभी हैदराबाद से मम्मी के लिए लेके आई थी, क्या क्या लेके आई हूँ वो भी देख लीजिए आप। तो मैंने अभी एनिवर्सरी पे मम्मी के कुर्ते भेजे थे ऑनलाइन, बताया था मैंने आप लोगों को एनिवर्सरी वाले व्लॉग में। तो एक एक करके कुर्ते दिखाएगी मम्मी। और प्लाजो अभी लेके आई हूँ हैदराबाद से, सबके लिए अलग अलग। तो एक कुर्ता ये वाला था, खोल के दिखाओ इसको, क्योंकि मम्मी का साइज मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ऑनलाइन सही मिल जाता है। इधर कंफर्टेबल, और वो कलर भी बहुत अच्छा, और इसकी कढ़ाई देखो कितनी अच्छी है। और प्लाजो इसके की तरह नीचे है ये क्रीम कलर का प्लाजो, ये वाला। सब में अलग अलग डिजाइन है जितने भी हैं। तो एक ये हो गया नंबर डिजाइन। टू। कुर्ते बहुत अच्छे आए इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था। क्लॉथ वाइज भी, क्लॉथ क्वालिटी भी और डिज़ाइन भी बिल्कुल बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। आप देख सकते हो ये मोती का है और ये थ्रेड वर्क है और बिल्कुल प्योर कॉटन है। गले भी बहुत अच्छे आए हैं इसके मम्मी को, वरना मम्मी को गले में दिक्कत होती है हमेशा। इसके नीचे ये वाला प्लाजो है, पिंक रेड है, रेड, हाँ रेड वाला प्लाजो। इसमें डिज़ाइन बहुत अलग है, ये भी सुंदर है। पसंद आए मेरे हाँ को, सुंदर है। मम्मी को बहुत पसंद आए चारों कुर्ते। दो, तीसरे वाला एक ये वाला है, ये प्योर, ये बिल्कुल कॉटन का है। मम्मी बोली घर में पहनने के लिए चाहिए मेरे को। तो दो या तीन पार्टी वियर थे शायद, और एक ये ऐसा है घर पे पहनने का कॉटन गर्मी में। इसके नीचे ये वाला प्लाजो है, इसका ये डिजाइन है, ये वाला। नीचे सब में अलग अलग डिजाइन है, नीचे किसी में फ्लावर वाला है, किसी में काजू कतली वाला है, किसी में कुछ है। एक ये है, एक ये वाला है, ये कलर ये बहुत कॉटन अच्छा का है, लगता है मेरे को, स्काई ब्लू। इसका वो ये भी पजामा का प्योर है, कॉटन है। और ये देखो इसका पिंक कलर का है, कढ़ाई इसका है वो इसमें भी इतनी प्यारी, ये और इस पे बाजू पे भी कढ़ाई है। सब 3/4 स्लीव्स के हैं, सब पे डिजाइन है। जैसे इस वाले में ये वाला डिजाइन था, मैं दिखाना भूल गई। तो बहुत ही प्यारा है और नीचे भी डिजाइन है इधर भी। नीचे तो बिल्कुल कोई कमी नहीं निकली कुर्तियों में, क्लॉथ वाइज भी, डिज़ाइन भी, सब कुछ बहुत प्यारा था। तो और एक ये लेके आई थी, इसका कहाँ है, इसका यही है। यही है, अच्छा। हाँ इसके नीचे कॉम्बिनेशन है, बट मम्मी व्हाइट वाला पहन लेगी तो भी अच्छा लगेगा। हाँ नहीं, मैं अलग चार अच्छा लेके लगे। आई थी मतलब मम्मी के लिए प्लाजो, कि ये किसी और के नीचे भी काम आ जाएगा, क्योंकि मम्मी को सलवार पहनने में दिक्कत होती है घुटनों में। और ये बाकी मम्मी के पता नहीं क्या क्या, ये दिखा दो मम्मी वो वाला। ये सूट है ये डाल मम्मी के का सूट जाऊंगी। है जो डाल के जाएगी। एक्चुअली मम्मी और पापा जा रहे हैं हरियाणा, ठीक है। तो इसका सिंदारा आ रहा है, इसका, इसके ससुराल वाले आ रहे हैं गांव दिल्ली से, ठीक है। तो मम्मी पापा लोग जा रहे हैं, त्योहारी बोलते हैं ना, कई जगह त्योहारी बोलते हैं, कई जगह सीधा बोलते हैं, कई जगह कोथली, पता नहीं कुआरा क्या क्या। सिंदारा, हाँ इसका कुआरा सिंदारा, हाँ सिंदारा तो सबको पता है, राजस्थान में भी सिंदारा, टीवी में भी बोलते हैं सिंदारा ही। इसकी आप बाजू करवाई है, कपड़ा है बोली नहीं बचा। अच्छा तो देखो मम्मी का साइज देखो, मेरे जैसे तीन घुस जाए इसके अंदर। ये देखो डिजाइन कितना अच्छा है। सूट तो सारे ये अच्छे मिलते बाकी हैं। तो मेरी साड़ियां हैं, गांव में हाँ साड़ी पहननी मम्मी, पड़ती मम्मी है। गांव में साड़ी डालेगी, इनके समधी समधन आएंगे। मम्मी की थ्रेडिंग देखो, मैंने थ्रेडिंग करी मम्मी की। इस बार थोड़ी सी मीडियम रखी है, नहीं तो थोड़ी सी ये पतली। साड़ी भी मेरी हैदराबाद की है। ये मम्मी की साड़ी लाई थी मैं पिछली बार हैदराबाद से, और ये चीची सेट लेके घूम रहा हूँ। फोर थैंक यू मार्जी, फॉर यू चिकू दे रहा है
बांट रहा है। हाँ दिस इज फॉर यू माजी। और ये मेरा है और सही दे के आया है। ये देखो मम्मी ने सेट खोल लिया मम्मी ने। अरे बाप रे, ये आपके बेटे की चॉइस है। ये आपके बेटे की चॉइस है। कान के भी पैर मेरी है। हाँ हाँ ले, पापा को बुला के लाओ जाओ उनको। पापा माजी बुला रही है। ये सूट पे सही लगेगा ना? सारे साड़ी पे भी सब साड़ी हम तो ये दिखाया था मैंने आप लोगों की। ये मम्मी के लिए लिया था, सस्पेंस रखा था कि वहां जाके बताएंगे। और एक और उठा लेगा चूहा, किधर ले गया? ये पूनम बुई का है, बहुत अच्छा। हाँ और एक ये मुसीबत का है, ये तो रखा था मेरे पास। ये मैंने पहना नहीं था, ऐसे ही रखा था, इसलिए फिर इसका तो छोटा सा ही जैसा मेरे पक्ष होता वैसे। ये मैंने दिखाया था मेरे ज्वेलरी कलेक्शन में, मैंने पहना नहीं था इसलिए मैं इसके लिए ले आई। फिर ये भी रह जाती है, माँ चलो इसके लिए भी ले चलते। ओपन नहीं हुआ, पतला सा है वो तो, इसके हिसाब से अभी ठीक है। शादी में इसको और दे देंगे, बड़ा वाला दे देंगे। टॉप सर वो है गले के। ये देखो चीकू खेल रहा, देखो ये ऐसे खुश रहता है अपनी बुई के साथ। आपका कैसा लगा आपको? मेरे को सच बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा, इसलिए मैंने बोला था बेटा अपनी पसंद का ही लिया। मेरे को नहीं पता इन चीजों क्या खा रहा है। व्हाट इज दिस? वेरी गुड। ये देखो मम्मी की अंगूठी, कितना प्यारा डिजाइन है। ये करवा चौथ पे दी थी मम्मी को। मस्त है ना मम्मी? मस्त है। नहीं बिल्कुल न्यू डिजाइन आया था ये। इसका कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल पूरा गोल्ड की बनावट है इसकी सारी। क्या कर रहे? ये वाली कोई स्टोन नहीं है, कुछ नहीं है। तो मम्मी ने पहन रखी है अभी, इसलिए मैंने दिखा दिया। अच्छी लग रही है मम्मी के हाथ में। हाँ मम्मी को करवा चौथ पे दी थी हमने गिफ्ट। मम्मी कहती रहती मेरी रिंग बनवाओ, मेरी रिंग बनवाओ, बहू बेटा मेरी अंगूठी बनवाओ। बनवा दी मम्मी खुश। अब और कुछ बनवाना है मम्मी? करो पहले ना बता दो कुछ और बनवाना। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों से अपना नाइट रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो मीनू के लिए मैं यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, उसका शुक्रवार का व्रत है। बिना टमाटर प्याज की, खाली जीरे का तड़का, हल्दी, नमक, मिर्च, हरी वाली मिर्च, लाल मिर्ची नहीं, ठीक है। तो उसकी भिंडी। और मेरे मोटू के लिए, संदीप के लिए यहाँ पे पनीर की भुजी बना रही हूँ, प्याज टमाटर का तड़का, जीरे का तड़का लगा के सिंपल। और मम्मी पापा का शिवरात्रि का फास्ट है, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे सामक। साइड में अभी नहीं बनाया, अभी तो दूध चढ़ा रखा है साइड में, ठीक है। तो नॉर्मल जो तरीका होता है बनाने का, वही नॉर्मल भुजी बना रही हूँ मैं यहाँ पे, और कुछ नहीं। और पापा इस टाइम पे कर रहे हैं गाइड संध्या, तो मैंने उनको बर्तन वगैरह धो के दे दिए थे। और मैं जो अपने मोटे मोटे बर्तन होती हूँ साइड बाय साइड, वो भी कर लेती हूँ साथ साथ, वो आप लोगों को पता ही है थोड़े, क्योंकि लास्ट में जो है बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो भुजी मेरी बन के ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसको ढक के रखना है थोड़ी देर के लिए। और बर्तन ये देखिए, बर्तन मेरे साइड में जितने थोड़े बहुत चाय के और दूध के, पापा भी आए थे ऑफिस से तो वही बर्तन थे, तो वो भी मैं साथ के साथ धो लेती हूँ। और चलती हूँ मंदिर में, पापा संध्या कर रहे हैं। ओम जय शिव ओंकार, मन मन शिव ओंकार, ब्रह्म विष्णु तथा ओम जय शिव ओंकार, तो
गाइस पापा की संध्या हो चुकी है और सब्जी मेरी बन के रेडी है, पनीर की भुज्जी वो भी मैं निकाल देती हूँ और बर्तन साफ़ कर देती हूँ। और इधर हमारी मिक्सी ठीक करने के लिए मैकेनिक बुलाया हुआ था, मिक्सी का बटन ख़राब रखा था। और इधर पापा नारियल निकाल रहे हैं जो पूजा के नारियल होते हैं, मैं अपना पापा की मम्मी की सब्जी कट कर रही हूँ जो उनके सामक में पड़ेगी, टमाटर और आलू। और पापा देखो बीज निकाला है पापा ने इतना बड़ा नारियल से, ठीक है। और सामक के लिए गाइस मैंने यहाँ पर लिया है करी पत्ता, आलू, टमाटर, हरी मिर्च और सामक और सेंधा नमक जो व्रत में खाते हैं वो वाला नमक, ठीक है। और घी में मैं गाइस तड़का लगाऊंगी, ठीक है। बस 2 चम्मच घी डाल के जीरा डाला है और उसमें फिर कड़ी पत्ता डाला है, हल्दी नहीं डालेंगे, मतलब कोई मसाले ऐड नहीं करते इसमें, सिर्फ़ और सिर्फ मिर्च के लिए आपको तीखे के लिए हरी मिर्च डालनी होती है और नमक के लिए आपको सेंधा नमक डालना होता है। पहले मम्मी पापा मीठा ही खाते थे लेकिन अभी उनकी एज हो रखी है तो आयोडीन की कमी हो जाती है तो नमक ज़रूरी हो गया उनके लिए, इसलिए अभी फास्ट में जो है खाने लग गए हैं नमक। तो आलू डालना मैं भूल गई थी तड़के में तो बाद में डाले। और साइड में देखो मैंने अपने लिए यहाँ पे स्वीट पोटैटो भी बना लिए थे तवे पे, तो वो भी बन के रेडी थे। तो बीच में मैंने अपने ये खाए बैठ के, तब तक आलू बने क्योंकि आलू मैंने फ्राई करते टाइम नहीं डाले ना, इसलिए वो बाद में मेरे को डालने में थोड़ा टाइम लग गया पकने में। तो अभी तब तक इन ये पकेंगे, मैं अपनी शक्करकंदी खा लेती हूँ। और यहाँ पे ये पक गए थे तो मैंने इसमें डाल दिया सामक, मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी सामक, तो इसमें काफ़ी सारा पानी डलता है, बाद में भी आप डाल सकते हो क्योंकि ये पूरा पानी सोख लेता है जल्दी से हैं। और इसमें फिर नमक ऐड कर देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालना होता है क्योंकि ये इतना ज़्यादा लगता नहीं है सेंधा नमक। और इधर मैं फिर रोटी बना रही हूँ, सबसे पहले मीनू के लिए बना रही हूँ क्योंकि मम्मी पापा के लिए सामक बनने में टाइम था और इसलिए मीनू का फास्ट था तो पहले भूख लगी थी वो खा लेगी, तब तक सामक रेडी होंगे। तो सामक भी बस बनने ही वाले थे, 2 मिनट और पकने थे और मैं साथ के साथ मोटू से बातें कर रही थी मोटू मेरे साइड में ही खड़ा था। तो ये लीजिए मीनू आ गई, अपना खाना डाल रही है वो, और पापा मम्मी के लिए सामक भी मैं बीच बीच में चला रही हूँ इधर, और साथ के साथ रोटियाँ भी बना रही हूँ अपनी। और मोटू जो है मीनू को रोटियाँ पकड़ा रहा है गरम गरम, वो मेरी हेल्प करते थे ऐसी छोटी छोटी। तो बस सामक भी रेडी हो जाएंगे, तब तक मीनू की 2-3 रोटियाँ ऐसे ही खाती है। अब मैं बीच में मोटू से गप्पे लड़ा रही थी वो देखो भाग भाग के पकड़ा रहा है जल्दी जल्दी, और बीच बीच में एक्सरसाइज कर रहा है, बीच बीच में मुझसे बातें कर रहा है। तो मैं उसको मोटू को भेजा था मैंने अभी थोड़ा सा डाल के कि जा मम्मी को दिखा के आ कि गल गए कि नहीं गल गए, बन गए कि नहीं बन गए। तो बस ये बन चुके थे तो मम्मी और पापा के लिए डाल दिया मैंने 2 थाली में, और 2 चम्मच घी डाल के दे दिया क्योंकि ऐसे नहीं खाए जाएंगे, ये घी के साथ खाएंगे मम्मी पापा। तो ये देखो साइड में मोटू खड़ा है, वो जल्दी जल्दी सर्व करके आ जाएगा और मैं डाल के दे दूँगी क्योंकि मीनू भी खा रही थी उस टाइम, पर उसका एग्ज़ाम है तो वो फिर पढ़ने चली गई थी शायद। और फिर संदीप की, मेरी और मोटू की रोटी बची थी, ये लीजिए मीनू ने खा ली, मीनू अपने बर्तन रख के चली गई साइड में। ठीक है, हो गया मेरा सारा काम, बस अब मैं सारे फटाफट बर्तन साइड में कर लूँगी, अब अपना किचन समेटूँगी। ठीक है, यही होता है हमेशा मेरा, मैं तुरंत जो है खाना बनाते ही सबसे पहले मैं अपना किचन क्लीन करती हूँ, साथ के साथ गैस वगैरह सब मांझ धो के फिर जाती हूँ मैं खाना खाने, बर्तन भी बाद में करती हूँ बट किचन ज़रूर करती हूँ मैं हमेशा। तो ये देखिए मैंने डीप क्लीन करती हूँ हमेशा ही, जूने से ही करती हूँ, जो बर्तन धोने वाला होता है उसी से साफ़ कर देती हूँ तो अच्छी साफ़ हो जाती है। और वैसे भी बहुत सारा खाना बना था आज, इस वजह से काफ़ी गंदी हो जाती है और पीछे की टाइलें वगैरह सब। तो बस मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी और क्लीन करके पीछे की टाइल्स वगैरह बार बार मैं निचोड़ निचोड़ के पोंछा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ मैं इसको गैस को। और खाना तो यहाँ सबका ही हो गया, मम्मी आई थी साइड में दिखा होगा आपको, मम्मी दूध का करने आई थी कि मेरा दूध निकाल देगी मम्मी। और ये देखिए बर्तन इतने सारे हो गए, ये बाद में समेटूंगी, बस किचन भी हो गया, अब मैं डालूंगी अपना खाना। पानी की बोतल ले ली, 3 रोटियां रख ली पनीर की भुज्जी, करेले और जो मीनू ने मिर्ची बनाई थी कल वो वाली मिर्ची रख ली छोकी हुई। सो गाइस काम सारा फाइनल हो गया, बस बर्तन बचे हैं। नाइट रूटीन मैंने आज आप लोगों से पूरा शेयर कर लिया है अपना सब कुछ, तो आज आप लोग भी मेरे साथ डिनर कर लीजिए। पनीर की भुज्जी और करेले हैं, गुड़ है और छुकी हुई मिर्ची है, ठीक है, थोड़ा सा खीरा है, इतना ही बहुत है मेरे लिए।
और आज मैं अकेले ही खा रही हूँ। वैसे तो मीनू होती है कंपनी देने के लिए डेली, लेकिन आज उसने पहले खाना खा लिया क्योंकि उसका फास्ट था, तो वो बाहर वाले रूम में भी पड़ रही है और संदीप जो है बाहर खाना खा रहे हैं अभी बैठ के। तो आप लोग हों मेरे साथ कंपनी के लिए, ठीक है। तो गाइज ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, 9 बज चुके हैं, मुझे एडिट भी करना है, डालना भी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।